हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं वन आता है। जैसे अगर हम बात करें, ये है डे, ये है सपोज़ कीजिए मंथ, और ये है ईयर। अगर इनमें से ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कहीं पे भी अगर आपके उसमें वन आता है या फिर आपकी डेस्टिनी वन बनती है, इन सबका टोटल करके वन बनता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप न्यूमरोलॉजी क्लासेस लेना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी क्लासेस लेना चाहते हैं, या फिर अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर वन, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, सपोज़ कीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये 2103 और 1992, ठीक है। तो अगर हम इसका सम देखेंगे तो ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 6, हम इसको भी ऐड करेंगे 7, ये कितना हो गया 9 एंड 27, टोटल हो गया 27। तो 7 + 2 को फिर करेंगे तो ये आ गया 9। तो इस केस में आपकी डेस्टिनी बन गई 1, लेकिन कहीं डेस्टिनी बन गई सॉरी 9, तो कहीं ना कहीं आपके उसमें लेकिन ये 1 आ रहा है। तो जो न्यूमरोलॉजी ग्रिड मैंने अपनी पहले ही वीडियोज़ में बताई हुई है उसके अकॉर्डिंग अगर हम फिक्स करें तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे आएगा 22। तो क्योंकि नंबर 1 आपकी ग्रिड में आ चुका है तो यही आपको क्या क्या क्वालिटीज़ देगा। तो सबसे पहले नंबर 1, मैंने जैसा कि बताया है न्यूमरोलॉजी के अंदर, नंबर 1 के जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं सन। तो जो पॉजिटिव क्वालिटी होती है इनके अंदर ज़बरदस्त होता है कॉन्फिडेंस। पहले हम देखते हैं इनकी पॉजिटिव क्वालिटीज़। तो इनके अंदर हम देखेंगे कि इनके अंदर लोगों के अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, मैनेजमेंट स्किल, किसी चीज़ को मैनेज करने का ढंग, चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, रखते हैं नहीं कह सकते, बट अच्छे तरीके से अगर कोई भी कहीं पे भी अनसुलझी हुई चीज़ें होती हैं ये उनको सुलझा सकते हैं। नंबर 1 जिनकी न्यूमरोलॉजी ग्रिड में आता है, लेकिन ध्यान रखिए ये नंबर 1 सिर्फ एक बार आना चाहिए। ये थोड़े से अब इनमें एक, इस चीज़ को हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं, नेगेटिव भी कह सकते हैं, ये थोड़े ज़िद्दी होते हैं। ज़िद्दी होते हैं यानी कि स्टबर्न होते हैं, ज़िद्दी होते हैं। नंबर 1 अगर आपकी न्यूमरोलॉजी ग्रेड के अंदर है तो अब ये ज़िद बाकी नंबर्स पे डिपेंड करता है कि ये ज़िद सही चीज़ की होगी या गलत चीज़ के लिए। 1 जिनकी न्यूमरोलॉजी ग्रेड में आ गया वो लोग जानते हैं कि उन्हें कहाँ पर बोलना है, कितना बोलना है, कितना बोलने से काम निकल जाएगा। अगर कहीं पे काम निकालने की सिचुएशन आई तो 1 नंबर 1 वाले लोग जानते हैं कि उनको कितना बोलना है, कहाँ पे बोलना है और कैसे काम निकल जाएगा। उसके बाद है ये थोड़े से ईगोइस्टिक भी हो जाते हैं। अगर हम नेगेटिव क्वालिटीज़ बात करें तो थोड़ा सा इनके अंदर ईगो भी आ जाता है। तो स्टबर्न यानी कि ज़िद्दी मैं लिख रहा हूँ पॉजिटिव क्वालिटी में, क्योंकि अगर आपके अंदर ज़िद है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ही थोड़े से गुस्से वाले भी होते हैं, थोड़ा इनके अंदर गुस्सा भी होता है। अगर और नंबर भी आ गए मेल नंबर्स तो और ज़्यादा गुस्से वाले हो जाएंगे, स्टबर्न होते हैं, रॉयल एटीट्यूड होता है इनका, ठीक है। जिद से तो आप इनके आगे जीत नहीं सकते। नेम वेम इनको काफ़ी मिलता है अपनी लाइफ में। अब डिपेंड करेगा बाकी नंबर्स के ऊपर, चार्ट के ऊपर, कि कितना नेम फेम मिलेगा, कितना इनको पैसा मिलेगा, क्योंकि नंबर 1 फिनेंस का नंबर भी है। तो कितना पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, ये नंबर्स बाकी नंबर पे भी डिपेंड करेगा, साथ ही एस्ट्रोलॉजी पे भी डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन इनका बर्थ हुआ है, सपोज ये डेट ऑफ बर्थ है, जिस दिन ये बर्थ डेट इनका जन्म हुआ है, बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ होगा। सपोज इनमें से कोई एक IAS ऑफिसर है और कोई नहीं है, राइट, और बहुत सारे नहीं है। तो अब वो कैसे जज होगा, क्योंकि देखिए एक डेट ऑफ बर्थ वाले तो मल्टीपल लोग होंगे, सब तो IAS बन नहीं जाएंगे, सब किसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन नहीं जाएंगे। तो कौन क्या बनेगा ये हम देखेंगे बाकी नंबर से प्लस आपके चार्ट से। लेकिन एक कॉमन चीज जो नंबर 1 वाले लोगों में होगी सब में, ये होगी कि देखिए क्योंकि नंबर 1 तो आ ही गया, तो हो सकता है कि अपने अगर चार्ट वीक है थोड़ा सा तो हो सकता है अपने पूरे मतलब प्रदेश में फेमस हो, अगर थोड़ा और वीक हो गया सोसाइटी में फेमस हो जाएंगे, लोग इनका सजेशन लेने आएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें बन जाती हैं जिसकी क्या अगर डे मंथ ईयर कहीं भी बन आ गया। लेकिन प्लीज़ ध्यान रखिएगा ये नंबर हमें नहीं लेना है, 19 वाला हमें नंबर नहीं लेना है, इसको ध्यान रखिएगा। प्लस मल्टीपल 1 नहीं होने चाहिए, डेस्टिनी 1 है तो
तो मल्टीपल वन अच्छे हैं, लेकिन अगर डेस्टिनी वन नहीं है, जैसे इस केस में डेस्टिनी नंबर 9 है और वन सपोज कीजिए यहाँ पे किसी तरीके से वन आ जाता है एक और, तो फिर ये इसकी क्वालिटी चेंज हो जाएंगी, फिर ये क्वालिटीज बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। वो हम आने वाले सीरीज जो ये बना रहा हूँ मैं इसके ऊपर, इस पर डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो प्लीज़ बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी क्लासेस के लिए आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।